से कौन से इंडियन बैट्समैन है जो बना सकते आईपीएल 2020 में सेंचुरी। और आज का क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आरसीबी के लिए खेलते हुए एक खिलाड़ी ने, मतलब वैसे तो तीन खिलाड़ी ने किए हैं सबसे इंडिविजुअल हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, आपको बताना है तीसरा नाम। यूनिवर्सल क्रिकेट दोस्तों, यहाँ पे आपका स्वागत है। वीडियो का टॉपिक बताने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन मैंने आपको क्या पूछा है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि आरसीबी के लिए किस बल्लेबाज ने सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किया है। देखिए, पहला नाम हमको पता है, वो है क्रिस गेल। 175 रन की जो इनिंग्स थी, मतलब राइजिंग पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ वो थी 2013 में, उसको हमको पता है। उसके बाद दूसरा नाम भी हमको पता है, एबीडी विलियर्स, 133 रन की पारी बनाई थी, मतलब रन बनाए थे, वो भी हमको पता है। आपको बताना है तीसरा नाम जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है किसी बैट्समैन का आरसीबी के लिए खेलते हुए। देखिए, इसकी हिंट मैं बाद में दूंगा आपको, उससे पहले हम बात करते हैं अगले वीडियो के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम उसका आंसर लेके आए हैं, उसका आंसर है सुनील नारायण। जी हाँ, सुनील नारायण का ये आंसर है। मैंने पूछा था कि कौन सा ऐसा ओवरसीज स्पिनर है जिसने सबसे ज़्यादा आईपीएल में विकेट लिए, तो वो है सुनील नारायण। सुनील नारायण ने 112 मैचों में 123 विकेट लिए और अभी भी वो खेल रहे हैं, कोलकाता के लिए खेल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, ऑलराउंडर है और वेस्ट इंडियन है। तो वो आपका प्रूफ, हिंट सब इसमें आ गया, आंसर भी आ गया। अब बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा ये है कि कौन से ऐसे बैट्समैन है इंडिया के आईपीएल में 2020 में जो बना सकते हैं सेंचुरी। देखिए, सेंचुरी बन चुकी है, दो सेंचुरी बन चुकी है किंग्स इलेवन पंजाब के दोनों ओपनर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, दोनों ने सेंचुरी लगा दी है। पर अब हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगले, मतलब मैचेस में फाइनल तक कौन ऐसे बैट्समैन है इंडिया के लिए, इंडियन बैट्समैन जो शतक लगा सकते हैं आईपीएल 2020 में। तो बात करते हैं नंबर 6 के, मतलब यहाँ पे मैं 6 खिलाड़ी को रखने की कोशिश कर रहा था, पर 6 खिलाड़ी मतलब नहीं हो रहे, मतलब मैंने 7 को ही रखना पड़ा। तो 7 खिलाड़ी के मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट बताने वाला हूँ जो बना सकते हैं आईपीएल 2020 में सेंचुरी। नंबर 7 पे मैंने रखा है शुभमन गिल को। जी हाँ, इस बार शुभमन गिल के पास सुनहरा मौका है क्योंकि क्रिस लिन नहीं खेल रहे हैं, क्रिस लिन की जगह ओपन करने का मौका मिल रहा है शुभमन गिल को। शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में है, हमने 2-3 पारी उनकी अच्छी देखी, मतलब वो 72 पे पहुंच गए हैं, वो 70 पे, 60 पे, मतलब वो शतक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे शुभमन गिल को मैंने रखा है नंबर 7 पे। नंबर 6 की बात करें तो संजू सैमसन राजस्थान के लिए खेलते हैं, पता है, नंबर 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि शतक लगाने का काम किसका है, मतलब 1-2-3 खिलाड़ी है मोस्ट ऑफ वो लगा सकते हैं। हालांकि लोअर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में आके कोई लगा सकता है, पर वो इतना ज़्यादा नहीं जो टॉप ऑर्डर के बेस्ट में लगा सकते हैं, वो हमको पता है, क्योंकि 1-2-3 के पास इतना मौका होता है 20 ओवर खेलने का, वो शतक लगा सकते हैं। तो संजू सैमसन को मैंने रखा नंबर 6 पे। संजू सैमसन को इसलिए रखा क्योंकि उनकी पहली पारी आप शारजाह में देखिए, दूसरी पारी भी शारजाह में थी वो भी देखिए, उसके बाद हालांकि थोड़ा फॉर्म में गिरावट आई है, फिर भी वो उनके पास इतनी काबिलियत है कि वो शतक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 6 पे मैंने रखा संजू सैमसन को। नंबर 5 पे मैंने रखा है श्रेयस अय्यर को। जी हाँ, दिल्ली का कप्तान है, टॉप ऑफ द टेबल है दिल्ली की टीम, श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस अच्छा है, हालांकि थोड़ी पारियाँ अच्छी भी रही है, थोड़ी नाकामयाब भी रही है पारियाँ, पर स्टार्टिंग में सब अच्छा, मतलब पारियाँ अच्छी उन्होंने शुरू की है, तो उनका फॉर्म अच्छा है। वो 88 रन बना दिए थे शारजाह के मैदान पे 38 गेंदों पे, तो थोड़ी ओवर गेंद, मतलब आखिरी ओवर में अगर स्ट्राइक आई होती श्रेयस अय्यर की, वहाँ पे शतक पक्का था, मतलब श्रेयस अय्यर के पास वो ताकत है, मतलब वो स्किल है जो वो लगा सकते हैं शतक। 5वें पे श्रेयस अय्यर। नंबर 4 पे मैंने रखा मयंक अग्रवाल को। जी हाँ, मयंक अग्रवाल एक आईपीएल की सेंचुरी लगा चुके हैं इस साल आईपीएल 2020 में। अभी हम उम्मीद करेंगे कि अभी थोड़ी 2-3 शतक इस आईपीएल की सीजन में उनसे आए, क्योंकि इतना बढ़िया फॉर्म में है, क्रिस गेल को रिप्लेस किया है टीम में, क्रिस गेल को नहीं खिला रहा है, मयंक अग्रवाल है, मयंक अग्रवाल अच्छा कर रहे हैं। क्रिस गेल की उम्मीद हम सबको है कि वो आएंगे अच्छा करेंगे, पर उससे पहले मयंक अग्रवाल टीम में खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एक शतक लगा चुके हैं। उसके बाद हम बात करें नंबर तीन पे मैंने रखा विराट कोहली को। देखिए, विराट कोहली ने अभी तक आईपीएल में अच्छी पारी एक भी नहीं खेली है, सिर्फ बात करें तो 1-2 इनिंग की छोड़ के, तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली ज़्यादा देर चुप रहने वाले हैं। वो जल्दी से अपना काम, मतलब 50 तो बना रहे हैं, उसके साथ वो शतक भी बनाएंगे, अच्छा करेंगे, टीम को इस बार आगे लेके जाएंगे। आरसीबी की टीम में इस बार बहुत ही बढ़िया, मतलब मैच विनर है फिंच है, एबीडी विलियर्स है, कोहली है, मतलब आरसीबी की टीम तो ऊपर जाएगी, उसके साथ ही विराट कोहली का शतक भी हमको देखने को मिला है। नंबर 3 पे मैंने रखा है विराट कोहली को। नंबर 2 पे मैंने रखा है रोहित शर्मा को। जी हाँ, मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा 4 बार आईपीएल का खिताब जीता चुके हैं, मुंबई इंडियन को हम सबको पता है, तो मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा के पास वो ताकत है, वो स्किल है,
जो आईपीएल में मतलब शतक लगा सकते हैं इस साल आईपीएल 2020 में, अच्छी पारियाँ रही है उनकी। पहले मैच में नहीं चला था बल्ला, उसके बाद दूसरे में चला, तीसरे में नहीं चला, चौथे में चला, पाँचवें में नहीं चला, छठे पे, मतलब एक बाई वन बाई वन इवन में वो शतक या फिर अच्छी पारी खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार आईपीएल में रोहित शर्मा 2020 में शतक लगा सकते हैं नंबर टू पे। नंबर एक पे आप सर्च कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं मैंने किसको रखा होगा। मैंने रखा है केएल राहुल को। जी हाँ, कमाल लाजवाब राहुल को किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान है, एक शतक लगा चुके हैं। एक शतक भी कैसा लगा है, मतलब 132 रन की पारी है, मतलब इंडिया का सबसे हाइस्ट इंडिविजुअल स्कोर आईपीएल में जिसका हो वो है केएल राहुल। आईपीएल 2020 में लगा दी किसके खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी के खिलाफ केएल राहुल 132 रन की पारी आईपीएल में 2020 में खेल चुके हैं। आगे अच्छी पारियां खेलेंगे, शतक भी लगाएंगे, हमको देखने को मज़ा भी आएगा। तो ये थी हमारी तरफ से 7 बेस्टमैनों की लिस्ट। यहाँ पे ये 7 बेस्टमैन है जो यहाँ पे शतक लगा सकते हैं आईपीएल 2020 में। हालांकि इसके अलावा भी कोई और नाम थे, मतलब मैं यहाँ पे नहीं जुड़ पा रहा हूँ। उसमें है पृथ्वी शो है, शिखर धवन है, ये भी अच्छे खिलाड़ी है, ये भी यहाँ पे लिस्ट में शामिल होकर शतक लगा सकते हैं। देखिए अब हमारे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन मैंने आपको ये पूछा कि कौन सा खिलाड़ी है जिसने आरसीबी के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किया है आरसीबी में खेलते हुए। देखिए पहला नाम क्रिस गेल का है, दूसरा एबी डिविलियर्स का, तीसरा खिलाड़ी का मैंने पूछा है वो कौन सा है। मतलब अब हिंट की बात करें तो हिंट मैं आपको दूँ तो अभी नहीं हुआ, मतलब आईपीएल की शुरुआत में ही 2-3 साल में ही वो हो गया है। मतलब शतक पारी थी, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था। उसके बाद दूसरी हिंट दूँ तो दूसरी हिंट, अभी आरसीबी में वो नहीं खेल रहे, जिस टीम के पास है उसका नाम मैं नहीं बताने वाला हूँ, वो आपको सर्च करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा। उसके बाद में बताऊँ तो इंडिया के लिए ये खेल चुके हैं ये खिलाड़ी, हालांकि टेस्ट में अभी डेब्यू उनका बाकी है, ये भी एक हिंट है आपके पास। टेस्ट में उनका डेब्यू नहीं हुआ, T20 ODI में डेब्यू कर चुके हैं, ODI में भी वो शतक लगा चुके हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में लगा चुके हैं। अब तो आपको पता हो गया होगा कौन सा वो खिलाड़ी है, पर अभी हम आपको यहाँ पे आंसर नहीं देंगे, आंसर हम लास्ट में देंगे, मतलब अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको पता चल गया होगा तो नीचे कमेंट्स बॉक्स से आप नीचे बता सकते हैं अपना आंसर नीचे। अगर नहीं पता तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन की घंटी उसको भी प्रेस करिए।